हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या तकरीबन 150 करोड़ है। अमीर गरीब छोटा बड़ा यहाँ पे हर आदमी अपनी एक अलग ही कहानी में जी रहा है। वैसे भी देखा जाए तो हम अपनी सारी जिंदगी एक कहानी में ही तो जीते हैं। हमारे देश में तो वैसे भी कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, फिर चाहे वो रामायण की कहानी हो या फिर हमारे महाभारत की। आज की दुनिया में इन कहानियों का चेहरा ज़रूर बदल गया है, लेकिन आज भी ये वही बात कह रही है, आखिरी में बुराई पर अच्छाई की जीत। तो जी यार, दिवाली है, रोशनी का त्योहार। हमारी जिंदगी में ये रोशनी उम्मीद होती है। अक्सर इसीलिए कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो चलिए आज से एक नए सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी कहानियां जिसमें लोगों ने उतार चढ़ाव तो बड़े देखे, लेकिन कभी भी जिंदगी में उम्मीद नहीं हारी। ये कहानियां भी भीड़ में कहीं गुमशुदा ही हो जाती अगर इनको सुनाने के लिए आपके बीच एक स्टोरी टेलर ना आता। सारिका जी का जन्म गोरखपुर की मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। कुकिंग का शौक बचपन से ही था, तो सोचा आगे चल के इसी फील्ड में कुछ किया जाएगा। उनके पिताजी और बाद में उनके फादर इन लॉ दोनों ने ही बखूबी उनका साथ दिया। लेकिन फिर साल 2021 में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी ही पलट के रख दी। चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। पैदाइश गोरखपुर में हुई थी, लेकिन जब हम लोग बहुत छोटे थे तो पापा जॉब के कारण यहाँ लखनऊ आ गए थे। हम तीन बहनें थी, एक छोटा भाई था, मैं सबसे बड़ी थी। तो शुरू से एक था कि जिम्मेदारी वाली चीज़ें थी, लेकिन जैसे हम लोग बहुत अच्छे माहौल में रहे। कभी पापा ने ऐसा नहीं कि बहुत बर्डन डाला हो किसी भी चीज़ के लिए। एजुकेशन भी थी हमारी, लेकिन साथ साथ में हम लोग बहुत खेलते कूदते सब करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट होने लगा। पहले बहुत पहले एक संजीव कपूर का प्रोग्राम आता था, खाना खजाना, तो वो हम लोग देखते थे ऐसे ही। तो जब देखा तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो वो बताते थे तो वो हम लोग घर में ट्राई करते थे। लेकिन मेरी कुकिंग जो चली शुरू से वो मेरे पापा के साथ चली। मैंने अपने पापा से ही सब्ज़ी बनाना सीखा, उनसे मैंने तहरी बनाना सीखा, ये सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी। मम्मी के साथ अटैचमेंट था, लेकिन एक लड़कियाँ होती हैं जो पापा से ज़्यादा क्लोज होती हैं, और पहली लड़की तो होती है, तो मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी। फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब लड़की की शादी होती है, तो 2007 में मेरी शादी गुड़गांव में हुई और मैं लखनऊ छोड़ करके गुड़गांव चली गई। कभी सोचा नहीं था कि लखनऊ वापस आऊँगी रहने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हुई क्योंकि ये प्राइवेट जॉब में थे। तो प्राइवेट जॉब में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चेंज करते जाते हैं, तो जहाँ अच्छे ऑप्शन मिलते गए इन्होंने देखते गए, फिर यहाँ धीरे धीरे करके हरिद्वार गए, हरिद्वार से फिर हम लखनऊ आ गए। फेसबुक पे मैंने एडवर्टीज़मेंट देखा था कि 6 दिन का आपका कुकिंग क्लासेस, सॉरी ये आपका बेकरी का क्लास चलेगा, जिसमें वो एडवांस नहीं लेकिन हाँ एक जनरल जो नॉलेज होती है बेकिंग की वो सारा कुछ आपको बता रहे थे। तो ऐसे ही एक हुआ कि चलो कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। मेरी बेटी को केक बहुत पसंद था उस समय, तो वो मेरे को बोलती थी तो मैं घर पर प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पर चीज़ें बनाऊँ, तो मैंने घर पर बनाती थी लेकिन उतना प्रोफेशनली नहीं बना पाती थी, तो वो चीज़ें आ नहीं पाती थी। तो मैंने अक्टूबर में 2020 में मैंने सीखा था। फिर उसको मैंने जब सीख करके आई तो धीरे धीरे घर में बनाने लगी, टेस्ट लोगों को पसंद आया, फिर मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे जब सीखा है तो उसको यूज़ भी करना होता है। तो मैंने पहला ऑर्डर मेरा एक 2 किलो का केक था ब्लैक फॉरेस्ट का, जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया था, क्योंकि मेरा पहला वो मतलब आप समझ लीजिए कि मैं वहाँ से सीख के घर आई और उसके बाद वो पहला ऑर्डर जो मेरा बाहर जाना था, तो उसकी क्रीमिंग करना प्लस उसका जो भी मतलब चीज़ें मैंने यूज़ की थी वो सारा कुछ करते करते मेरे को करीबन 2 से 3 घंटे लगे थे वो पहला ऑर्डर कम्प्लीट करने में।
लेकिन उसमें एक चीज़ मेरे लिए आया, सजेशन आया कि उस वो थोड़ा सूखा सूखा सा लगा। केक में होता क्या है कि अगर हम प्रॉपर उसको नमी नहीं देते हैं तो वो केक हमारे गले में फंसता है। तो किसी वो पार्टी में गया था तो उन लोगों ने मुझे बताया कि मतलब मेरे थ्रू नहीं, जिसके थ्रू गया था उनको बताया कि काफ़ी ड्राई था। थोड़ा सा घबराहट हुई कि अब कैसे चीज़ें मतलब कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। फिर ऐसे ही घर में बनाती थी, घर में लोगों को देती थी। कभी हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ तो प्रिफर करती थी कि बनाओ, क्योंकि हमें एक चीज़ सिखाया गया था कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ जो है वो साफ़ होता जाएगा। तो बनाती थी। मेरे जो पापा थे, मतलब फादर इन लॉ थे, वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। मतलब आप इतना, तुम बनाती हो, तुम ऐसे करती हो, बहुत सुंदर बनाती हो, बहुत अच्छा बनाती हो। तो एक मतलब कोई तारीफ़ करता तो बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी हिम्मत भी आती है। तो वो चीज़ें मेरी शुरू हुई। फिर एक बार ऐसे ही हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत ही, जैसे मैं अपने घर में रही वैसे मैं ससुराल में भी रही, बहुत प्यार मिला, क्योंकि यहाँ बड़ी थी वहाँ छोटी थी तो सबका प्यार मिला। और मेरे एक बार जो मेरे फादर इन लॉ थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग को जॉब करना चाहिए, अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, टाइम है तुम्हारे पास। तो मैंने कहा पापा मेरे को नहीं करना है, मैं अपना बेकरी खोलूँगी, मैं अपनी बेकरी चलाऊँगी, मेरे को मन लगता है इसमें करने में। क्योंकि जब मैं परेशान भी होती हूँ और बेकिंग करती हूँ तो मैं खुश हो जाती, पता है, क्यों, एक सुकून मिलता है। मुझे पता था कि आप लोग आने वाले हैं तो मैंने आपके लिए कुछ सैंपल्स तैयार करके रखे थे। जैसे ये चॉकलेट ब्राउनी है, 45 रुपीज़ पर पीस है, ये पीस है। ये हमारा मफिन्स है, वनीला मफिन्स, 15 रुपीज़ पर पीस है। और ये चॉकलेट मफिन्स है, ये भी 15 रुपीज़ पर पीस है। ये चॉकलेट ट्रफल है, जिसको डार्क चॉकलेट भी कहते हैं, ये हमारा 500 का हाफ केजी है। और ये जो है ये हमारा 2 टीयर केक है, जिसमें नीचे का जो टीयर है वो 1 केजी का है ब्लैक फॉरेस्ट, और ऊपर का हमारा 1/2 केजी का है पाइनएप्पल का। ये 1500 का पूरा पड़ता है हमारा। बाकी आप जैसे भी कस्टमाइज़ कराना चाहिए कस्टमाइज़ करा सकते हैं। ये हमारा शुगर फ्री होल वीट ओट मिल्क केक है, इसमें साथ में ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हैं, तो जो शुगर पेशेंट हैं वो खा सकते हैं या हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो खा सकते हैं। अब ये हमारे चॉकलेट्स भी बनती हैं, ये सारी होममेड है। तो ये डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट में मिलती हैं। तो ये हमारा ओरियो बार है और ये सारी डार्क चॉकलेट की वैरायटी है। ये हमारा 60 रुपीज़ का पर पीस जाता है और बाकी ये सारे पीस जो है 15 रुपीज़ में पर पीस पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे कई शेप में भी बनते हैं, कार शेप है, फ्लावर शेप है। लास्ट ईयर जैसे अभी इंसिडेंट हुए थे मेरे घर में, बहुत बुरा फेस सबके लिए था, पूरी दुनिया के लिए था। तो उस समय मेरे जो मेरे इन लॉज थे वहाँ पे सब लोग बीमार पड़ गए थे कोरोना की वजह से। तो उस समय चीज़ें चल रही थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो पापा का थोड़ा सा हेल्थ इश्यू ज़्यादा हो गया था। तो उस समय पापा का हुआ, पापा चले गए, बहुत कोशिश की नहीं हो पाया। और हुआ क्या कि वो जब पापा गए उसके मेरे फादर जो थे वो भी बेड पे थे, मतलब वो नवंबर में, लास्ट टू लास्ट नवंबर से वो बेड पे थे। दिवाली के दिन वो घर आए थे, तब से वो बेड से उठे नहीं, कोशिश कर रहे थे उठने के लिए लेकिन वो उठ नहीं पाए। तो जब पापा की हुई तो मेरे पापा से जब बात होती थी तो क्योंकि वो भी ठीक नहीं रहते थे तो मेरी सास ने कहा उनको बता के फ़ायदा क्या है, कि जब कुछ था ही नहीं तो कैसे हो गया। हर किसी को यही लगता है कि भाई अपना है ठीक हो के आना ही है उनको, लेकिन कैसे हो गया वो चीज़। और वो इतनी बड़ी चीज़ थी हमारे लिए, चाहे मेरे इधर की फैमिली हो चाहे उधर की फैमिली हो, दोनों फैमिलीज़, वो निकलना बहुत मुश्किल था। और मैं क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस, या रात में मैं जगी हुई हूँ, नींद ही नहीं आ रही है। तो फिर मैंने कहा कि अब ये चीज़ें मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने अपना ये शुरू किया। और क्योंकि मैंने, मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं कुछ करूँ और मेरे पापा भी चाहते थे ससुर में कि मैं कुछ करूं, मतलब हम बहुएं भी खाली नहीं बैठे, कुछ करें। पापा हमेशा पापा के बारे में पूछते थे कैसे हैं वो, क्योंकि पापा हॉस्पिटल में थे, ये पता था हॉस्पिटल में, तो पापा पूछते रहते थे कैसे हैं कैसे हैं, अब कितना झूठ बोले। तो मैंने ना बात करनी कम कर दी, और क्योंकि कोरोना टाइम था तो हम भी नहीं जाते थे उनके पास, कैसा ना हमसे इन्फेक्शन उनको लग जाए, ऑलरेडी बॉडी कमज़ोर है, इन्फेक्शन जल्दी लेती है। तो हमने जा तो पाए नहीं थे हम,
और फिर पापा का हो गया तो मैंने बात भी करनी कम कर दी। अब हमें वो पता नहीं था कि वो भी चले जाएंगे। जिस हॉस्पिटल में, जिस फ्लोर पे, जिस जगह पे हम जाना नहीं चाहते, वहीं पे जाके खड़े हो गए। दोबारा चीज़ें फिर से दोबारा हो गई। तो वो ना अंदर अंदर, क्योंकि मैं अपने फादर से भी अटैच, पापा से भी अटैच, वो ऐसा याद आने लगा ना अजीब से रात में चीज़ें। मतलब कई कई बार तो मुझे वो लोग सामने मेरे दिखाई दिए हैं, मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हुई हो, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, तो जैसे लगता है कि वो खड़े हैं देखने के लिए। तो वो बहुत घुसती जा रही थी उन चीज़ों में, किसी का कुछ बोलना बहुत लग जाता था, रोती रहती थी बैठ करके। ऐसी हो गई थी कि मेरे को लग रहा था कि अगर मैं इसी में घुसी रह गई तो मेरे बच्चे बहुत सफ़र करने वाले हैं। हम इंसानों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि हम अपनी जो ज़िंदगी है वो एक कहानी की तरह जीते हैं। हमारी कहानी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन इस मुश्किलों से कैसे आगे बढ़ते हैं, यही एक इंसान की जो इनर स्ट्रेंथ है उसको दिखाता है। अगर आप सारिका जी की कहानी देखिए तो आपको पता चलेगा उन्हें लाइफ में कहीं ना कहीं छोटे बड़े चैलेंजेस आते रहे। उनके लिए उनके फादर बहुत डियर थे, लेकिन एक टाइम पे, जैसे हम जानते हैं, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनों का साथ छूट जाता है, तो अपनों का साथ भी छूट गया। लेकिन फिर भी आज भी वो अपने पैर पे खड़ी हुई हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखा जाए तो वो एक हाउसवाइफ हैं, उनको अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखना होता है, अपने दोनों बच्चों को भी देखना होता है। इसके बावजूद भी वो क्रीमी क्रिएशंस को इतने आगे लेके आई हैं, जिस लेवल पे वो कर रही हैं, जैसे उन्होंने 2-3 साल पहले शुरू किया था, और वो आज जिस तरह लेके आई हैं और जो उनके सपने हैं, ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी है दोस्तों। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जो हमारा स्टोरी टेलर की शुरुआत हुई थी वो इसी से हुई थी कि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली था होप, उम्मीद, कि इंसान को उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। और उनकी कहानी में यही दिखाती है, एक ही महीने के गैप पे उन्होंने अपने फादर और फादर इन लॉ दोनों को खोया, और वो दोनों से बहुत ज़्यादा अटैच थी। बट नॉर्मली जिन सिचुएशन में हम हार मान जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में रुक जाते हैं, वो रुकी नहीं। तो कह सकते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ भी हो, कभी उम्मीद मत हारिएगा। तो चलिए इसी मीठी सोच के साथ हमने डिशेस टेस्ट कर लेते हैं। ऐसा आपको बता दूँ, सारिका जी बहुत सारे केक्स बनाती हैं, बहुत अच्छे बनाती हैं, लेकिन वीडियो में क्योंकि सारे तो नहीं कवर कर सकते, तो जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं उनके, क्योंकि जो कि है यहाँ की एक बटर स्कॉच कपकेक, जो उनका बहुत पसंद करते हैं लोग, उसके अलावा उनकी चॉकलेट ब्राउनी है, और उसके अलावा उनका चॉकलेट केक, तो हम ये तीनों आइटम टेस्ट करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं टेस्ट कर लेता हूँ और आपको उसका रिव्यू भी दे देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर एक क्रीमी लेयर है। जो रियल ब्रेड होती है वो अंदर छुपी होती है। तो लीजिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ऑसम है दोस्तों। मैं चॉकलेट ब्राउनी भी खाता हूँ और फिर दोनों का साथ में ही रिव्यू कर देता हूँ। ये देखिए, ये चॉकलेट ब्राउनी है, ऊपर से थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग की गई है। परफेक्ट। आपने नॉर्मली देखा होगा जब भी आप कहीं बेकरी में ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर पहले से बना के रखते हैं, बट सारिका जी की खास बात यही है, पहले से कुछ भी नहीं बना होता है। अब जब भी ऑर्डर देते हैं वो हर चीज़ फ्रेश इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको केक के ऑर्डर देने हो तो आप 3 से 4 घंटे पहले उनको दे सकते हैं। हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिंक कर देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो आप मफिन्स हैं या कपकेक्स हैं उसके लिए एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, तो वो बना के दे देती हैं। टेस्ट के लिए मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, टेस्ट इसका बहुत ही कमाल का है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फाइनल जो इनका आइटम है, जो बेस्ट आइटम है मैं कह सकता हूँ, वो है यहाँ का चॉकलेट केक। तो फाइनली चॉकलेट केक को जरूर टेस्ट कर लेता हूँ आपके लिए। अब मैं इसकी बाइट लेने वाला हूँ। दिस इज़ लिटरली अमेजिंग। लिटरली मैं आपको बताऊँ, तीनों आइटम में मैं कहूँगा अगर बेस्ट है, जैसे मैं सारिका जी ने बताया भी था कि बेस्ट सेलिंग आइटम जो है वो है यहाँ का चॉकलेट केक। बेसिकली एक डार्क चॉकलेट केक है। इसका जो टेस्ट है ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल डार्क चॉकलेट पसंद है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया, चीज़ें तो फ्रेश होती हैं, उसके अलावा यहाँ पे रेट्स भी इन्होंने बहुत ही रीजनेबल रखे हैं। ये हाफ़ केजी का चॉकलेट केक जो है विद अलॉन्ग विद चेरी एंड एवरीथिंग आपको पड़ जाता है 500 रुपीज़ का हाफ़ केजी। तो मैं कहूँगा काफ़ी रीजनेबल है। उसके अलावा जो हमने दोनों चॉकलेट ब्राउनी और बटर स्कॉच कपकेक टेस्ट किया, वो पर पीस पड़ जाता है आपको 45 रुपीज़ का।
तो मैं कहूँगा अगर आप मार्केट के कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम रेट दे रहे हैं, और उसके अलावा अगर जैसे मैंने कहानी हम सुनी रहे हैं सारिका जी की, तो हम सामने आ रहा है कि बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है उनकी। तो आई थिंक ऐसी जो हाउसवाइफ्स हैं जो घर से कुछ करना चाहती हैं, अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहती हैं, हमें उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लखनऊ में रहते हो या लखनऊ से बाहर भी रहते हो, कभी आप लखनऊ आए तो उनके हाथ के केक ज़रूर खाइए। जैसे कि मैंने कहा, टेस्ट की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि टेस्ट बहुत अच्छा है, रेट्स आपको बता ही दी कि रेट्स बहुत कम है। आई थिंक इससे कहीं ना कहीं उन्हें खुशी मिलेगी, उनकी फैमिली को खुशी मिलेगी, फैमिली का जो उनका सपोर्ट रहा है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगा, और कहीं ना कहीं जब आप ये केक खाएंगे तो आपके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान छोड़ जाएगा। मैं वो लड़की थी जो घर से ना बाहर अकेले कभी निकली, ना किसी से बात करती थी अनजान लोगों से, कोई ऐसा मेरे को खुलने के लिए लोगों से समय चाहिए था। में होता क्या है ना कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा फेज़ आ जाता है कि जब उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मेरी भी ज़िंदगी में वो फेज़ आया था कि मैं या तो यहाँ पड़ी रहती थी, वहाँ पड़ी रहती थी, बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, बच्चों का जो भी जो चीज़ें हैं मैं वो कर रही हूँ, हस्बैंड का कर रही हूँ, या कहीं जाना है चली गई, ये ऐसे ही चल रही थी। लेकिन फिर ना ये लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे पास वो लोग वापस तो आने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना मैं वो करूँ जो वो चाहते थे मेरे से।